नमस्ते। हम अपने सपनों का घर जीवन में सिर्फ एक बार ही बनाते हैं, इसीलिए हमें एक ऐसा सीमेंट चाहिए जो उस घर की मजबूती को सालों साल बरकरार रखे। तो चलिए आज जानते हैं कि सीमेंट को कैसे संभालकर रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सीमेंट नमी को सोखता है और इसी कारण उसमें गांठें बनने लगती हैं और सीमेंट अपनी शक्ति खोने लगता है। इतना ही नहीं, सीमेंट सिर्फ 3 महीनों तक ही इस्तेमाल करने लायक रहता है, इसीलिए बेहतर नतीजों के लिए उसे बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं कैसे। सीमेंट को हमेशा सूखे, लीक प्रूफ और नमी रहित जगहों पर ही रखें। दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद होने चाहिए। बोरियों को जमीन से कम 6 इंच ऊंची लकड़ी के तख्ते या फिर मोटी ताड़पत्री की शीट्स पर रखना चाहिए। बोरियों को दीवारों से कम 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। बोरियों की ढेर की चौड़ाई 4 बोरियों की लंबाई या 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोरियों के ढेर की ऊंचाई 10 बोरियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोरियों के बीच हवा की आवाजाही को रोकने के लिए उन्हें एक दूसरे के पास रखना चाहिए। बरसात के मौसम में या लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए सीमेंट को ताड़पत्री या प्लास्टिक की शीट से ढककर रखना चाहिए। हैवी ड्यूटी पॉलीइथिलीन और पेपर बैग को अलग से संभाल कर रखना चाहिए। सीमेंट की बोरियों को उठाने के लिए हुक का इस्तेमाल न करें। हमेशा पहले खरीदे गए सीमेंट को पहले इस्तेमाल करें। तो इन तरीकों से सीमेंट को संभाल कर रखें और अपने सपनों के घर को दें एक नई मजबूती। PST की मजबूती वाले बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट के साथ हैप्पी होम बिल्डिंग।